अस्सलाम वालेकुम। खाते पीते पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ पाया निहारी। बहुत ही जो है लजीज बनी थी। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग नहीं बनाते, लेकिन आप लोग लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी बनी थी। बीफ के मैंने जो है वो पाए ले लिए थे 4, और बाकी जो है हाफ जो केजी थी वो भोंग थी। चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने जो बीफ की जो पाए थे वो मैंने फर्स्ट वॉश उसका पानी जो था उसको पहले धो के जो है अच्छे से गंदा जो उसका पानी था वो मैंने निकाल दिया था। इसके बाद हमने फिर सारे जो पाए थे वो हमने ट्रांसफ़र करे प्रेशर कुकर में, और पानी जो है आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हमें ये जो पाए हैं वो गलाने हैं, तो उस हिसाब से अपना पानी आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने एक प्याज ली थी जो स्लाइसेस में कर ली थी वो हमने ऐड की। इसके बाद सारे गरम मसाले, सारे जितने भी होल स्पाइसेस हैं, आपको पता ही है गरम मसालों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी मैंने ऐड करी हैं, और इंग्रेडिएंट्स में भी मैंने लिख दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मज़ीद लिख दिया है, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। इसके बाद अब मैंने जो है जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, आप साबुत भी ले सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून पेस्ट लिया था, आप जो हैं साबुत दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। हम ये सारी चीज़ें इसलिए ही ऐड करते हैं, मतलब जब हम पाए बनाते हैं, ताकि इसकी स्मेल ना आए पायों की, ना जो उसकी एक स्मेल आती है। नमक हमने ऐड किया 1 टेबल स्पून और हल्दी हमने 1/2 टेबल स्पून ऐड करी। अब हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर में तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट तक के लिए, जब तक ये गल ना जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, 1 कप हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया पॉट में। इसके अंदर हमने 1 जो है वो अनियन ली है, वो भी स्लाइसेस ऐड की हमने अब ये, और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन हमने फ्राई करना है इसको, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1.5 टेबल स्पून, 1.5 चम्मच। इसे भी हम जो है वो सौते करेंगे 2 मिनट तक के लिए। आपको पता ही है कि हम इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो ख़त्म करते हैं फर्स्ट, फिर उसके बाद अदर कोई चीज़ ऐड करते हैं। आप हमेशा अदरक लहसुन जब भी आप डालें अपनी हंडिया में, पहले उसको जस्ट सौते करना है आपने। उसके बाद हमने बीफ की बोंग ले ली है 1/2 किलो, वो हमने ऐड कर दी। इसको भी अच्छे से भूनेंगे हम। कलर इसने चेंज कर दिया था। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे। ऑलरेडी जो है मैं पाई में ऐड कर चुकी थी नमक। रेड चिल्ली हमने 1 टीस्पून ऐड करी। इसके बाद हमने हल्दी ली, वो भी 1 टीस्पून हमने ऐड करी। अब हमने होममेड निहारी मसाला, मेरी पिछली वीडियो में भी जो है होममेड मैंने आपको सिखाया था बनाना निहारी का मसाला, वो हमने जो है 1 1.5 टेबल स्पून जो है वो ऐड किया। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं जाके। उसके बाद हमने 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड करी कलर के लिए। देन अब सारे जो स्पाइसेस हैं हम उनको मिक्स करेंगे अच्छे से, भूनेंगे इसको अच्छे से। इसके अंदर अब हम जो है थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला जितने भी स्पाइसेस वगैरह हैं वो लगे नहीं नीचे आपके पॉट में। अब हम इसको भूनते रहेंगे तब तक जब तक ये ऑयल जो है इसका सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छा, इसके अंदर अब हम 1 कप योगर्ट ऐड करेंगे, दही जो है वो ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर जो है कोई भी टमाटर जो है वो नहीं ऐड किया है, जस्ट ग्रेवी के लिए हम थोड़ी सी दही ऐड करेंगे 1 कप। इसको भी अच्छे से भूनेंगे। इतना हमने भूनना है कि दही का भी पानी जो है वो ड्राई हो जाए, और बिल्कुल जो है जो ऑयल होता है उसका आपकी हांडी का वो सेपरेट हो जाए। 8 से 10 मिनट के लिए इसको हमने भुनाई करनी है। जी देखिए,
तकरीबन जो है वो भुनाई करी थी हमने, तो ये देखें ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है तकरीबन। अब हम इसके अंदर जो है वो अदरक जो है वो जूलियन कट में थोड़ी सी ऐड करेंगे, इससे बिल्कुल एक अलग टेस्ट इन्हेंस होता है आपकी हांडी में जब आप एंड में थोड़ा सा डालें। और साथ ही हरी मिर्च वो भी आप थोड़ी सी ही ऐड कर लीजिएगा, ऑप्शनल है ये दोनों चीज़ें। इसको भी हम अब भुनाई करेंगे अच्छे से, थोड़ी सी ज़्यादा मतलब भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं। ऑयल जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका था, हांडी हमारी प्रॉपर अब रेडी है ये। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो हमने प्रेशर कुकर में पाए रखे थे वो हमारे कुक हो चुके थे तकरीबन। अब हमने इसको अलहदा कर लेना है, यखनी इसकी अलहदा कर लेनी है और पाए को अलग कर लेंगे। स्टेनर से हम इसको स्टेन कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम जो है पाए ऐड कर लेंगे बॉन्ग के अंदर, जो हमने बॉन्ग रेडी कर ली थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला हमारा बॉन्ग का है वो प्रॉपर जो है वो मिक्स हो जाए हमारे पाए के अंदर भी, जितने भी पाए हैं हमने लिए उसमें सब प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाए। जी मिक्स हो चुके थे। इसके अंदर अब हम जो है जो हमने यखनी जो उसकी तैयार थी पाए की, यखनी तकरीबन हमारी 3 जो है वो ग्लासेस थी और बाकी मैंने सादा जो है पानी ले लिया था वो 2 ग्लास थे। अभी हम ऐड करेंगे वाटर, टोटल मैंने 5 ग्लास जो है वो ऐड किए थे क्योंकि अभी हमारी बॉन्ग जो है वो गली नहीं थी, उसको अभी गलाना है हमने। पाए हमारे तकरीबन जो है वो गल चुके थे। अच्छा, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, नॉर्मल सादा जो पानी होता है, पहले हमने यखनी ऐड की थी। अब हम इसको जो है कुक होने के लिए रख देंगे, कवर करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने कुक होने रख देना है ताकि हमारी बॉन्ग जो है वो गल जाए। नेक्स्ट स्टेप, बेसन हमने 2 टेबल स्पून ऐड किया है, उसको हमने हल्का सा जो है वो भूनना है ताकि ये जो है जब निहारी में हमारी पाया निहारी में जब डलेगा तो वो कच्चे उसकी कच्चेपन की स्मेल ना आए। तकरीबन हमारे जो बॉन्ग थी और निहारी जो पाया निहारी थी बिल्कुल रेडी है, गल चुकी थी ये। और देखें इसका जो तार था वो भी ऊपर आ चुका है, तरी जिसे कहते हैं। अब हम इसके अंदर जो बेसन हमने भूना था उसके अंदर हमने पानी ऐड करके इसका लिक्विड बना के हम हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ज़्यादा भी हमने नहीं ऐड करना वरना फिर वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। बस हमें इसकी जो ग्रेवी की थिकनेस है उसके लिए हमने ये ऐड किया है बेसन। ऑप्शनल है ये भी, आप अगर आपका दिल हो तो डालिए, नहीं तो ना डालिए, दिस इज ऑप्शनल। बॉन्ग हमारी तकरीबन जो है वो गल चुकी थी और पाए तो ऑलरेडी मैंने प्रेशर कुकर में गला लिए थे, तो बिल्कुल दोनों चीज़ें अच्छे से टेंडर हो चुकी थी। अब इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, फिर अब हम इसके अंदर जो है गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया ऐड करेंगे चॉप्ड। डिश हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, कवर कर देंगे इसको। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विंग भी हमने कर ली है। आप सब इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने इस पेज का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।